untype and p yes very good trivalent and pentavalent yes and after that what I discuss about the carrier concentration right so jo aapka first lecture tha that was introductory lecture ki what are semiconductors and how many types of semiconductors and I discussed ki there are two types of semiconductor first is intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor right yes, and uske baad humne discuss kiya ki aapka jo extrinsic semiconductor hai वो भी फर्दर टू टाइप्स का होता है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी कि हम उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दैट बिलोंग्स टू पे टाइप बताइए कौन सा पे टाइप और अगर हम एन पेंटावेलेंट एन टाइप तो ये हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी डिस्कस की हाउ कंडक्शन विल टेक प्लेस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं और कल के लेक्चर में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे दैट वाज द कैरियर कंसंट्रेशन carrier concentration of electron and carrier concentration of hole yes yes students please apne aap ko mute kariye jo other students yes all right it's fine now to kal ka jo lecture tha uske andar humne discuss kiya tha ki mathematical derivation to calculate the carrier concentration of electron और कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने डिफाइन किया था दैट इज एन एंड बिलोंग्स टू कंसंट्रेशन एंड इफ आई डिनोट अ सिंबल ऑफ ई तो इट मींस वी आर टॉकिंग फॉर द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अगर हम होल्स की कैरियर कंसंट्रेशन जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स Small h you can use for holes. So carrier concentration हमने निकाली है for the electrons which are present in the conduction band. And second we will calculate the carrier concentration of holes which are present in the valence band, right? So यहाँ पे हमने दोनों को mathematical derivation से हमें solve करना है with the help of mathematical derivation. And जो आपका कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर तो जो कैरियर कंसेंट्रेशन हमने निकाला था वो क्या आया था दैट वाज एन उसका जो डेरिवेशन हमने कल सोल्व किया था एन इज इक्वल टू 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 पाई एम kt upon h square the power 3/2 and here was exponentially e minus ec minus ef upon kt right to jo kal ka lecture tha humne yahan pe skip chhod diya tha so this was the कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो n है n यहाँ पे आप n से भी इसको डिनोट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन से भी डिनोट कर सकते हो यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दिस तो n बिलोंग्स टू कैरियर कंसंट्रेशन इन कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड और ये जो आपका टर्म होगा इट हैज टू टर्म्स दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस एक्सपोनेंशियल बिलोंग्स टू सेकेंड टर्म दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म तो आपका जो सेकेंड एक्सपोनेंशियल टर्म है उस एक्सपोनेंशियल टर्म को इट इज अ काइंड ऑफ डिराक फंक्शन जो मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो ये डेरिवेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा इट विल डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर फर्स्ट जो पैरामीटर होगा दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंड वाज फर्मी डिराक फंक्शन
राइट कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, तो वो कौन से दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट पे और फर्मी डिराक फंक्शन पे। और जो आपका फर्मी डिराक फंक्शन का जो हमने डेरिवेशन लिखा था वो क्या था, दैट इज अ फर्मी डिराक फंक्शन 1/ सम एक्सपोनेंशियल टर्म, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस थिंग कि आपका जो फर्मी डिराक फंक्शन था वो क्या था, काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो यहाँ पे भी आपका ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ फर्मी डिराक फंक्शन। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फर्मी, एफ स्टैंड्स फॉर डिराक, एंड हियर दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कंडक्शन बैंड। वहां पे हमने किसकी बात की थी, टोटल एनर्जी की बात की थी, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, सो दिस एक्सपोनेंशियल टर्म corresponds to the Fermi Dirac function in conduction band, having energy in the conduction band. यहाँ पे E को हमने किससे replace कर दिया है? With EC. You can see कि मैंने subscript में क्या लगाया? C. C corresponds to the conduction band, right? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर मैं यहाँ पे E लिखती तो what does it mean? अगर यहाँ पे आपका E होता तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्मी डिराक फंक्शन फॉर एनर्जी स्टेट E, बट यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, इस डेरिवेशन में E इज रिप्लेस विद EC, तो व्हाट डज इट मीन, वी आर टॉकिंग फॉर द फर्मी डिराक फंक्शन हैविंग एनर्जी EC, मींस दैट इज कंडक्शन बैंड एनर्जी, राइट? तो इसको मैंने इस सेकेंड टर्म को इस यू कैन राइट लाइक दिस। और जो आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकती हूँ NC, तो व्हाट यू कैन से कि आपका जो कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ NC एंड EC, राइट? एंड हियर NC को आप क्या कह सकते हैं, दिस इज अ डेंसिटी ऑफ स्टेट, density of states of electrons in conduction band, and second hamara kya hai, E of FC, E of FC, this is Fermi Dirac function, isko hum kya bol denge, Fermi Dirac function, एनर्जी EC, राइट? तो यही हमने इनिशियली अज्यूम लेके चले थे कि आपका जो कैरियर कंसेंट्रेशन है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट इज अ डेंसिटी ऑफ द स्टेट एंड सेकंड इज द फर्मी डिराक फंक्शन। और यहाँ पे अब हमने लास्ट में क्या निकाल लिया है कि जब हमने कैरियर कंसेंट्रेशन का डेरिवेशन कंप्लीट किया तो यू फाइंड कि दिस कैरियर कंसेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टू टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को मैंने कहा this is a first term, that is 2 into 2 pi mn, this is a effective mass of electron, k is a Boltzmann constant, t is the temperature, and here h is the Planck constant, us complete ka kya hai power 3/2 hai, and there is some exponential term. So jo first term ko humne kaha, this is a density of the state of electron in conduction band, aur ye aapka jo second exponential term hai that corresponds to the Fermi Dirac function for energy EC, right? So this is a mathematical derivation to calculate the carrier concentration of electron present in the conduction band, right? So ये आपका totally mathematics है, just इसके अंदर हमने शुरू में दोनों का product लेना है, density of state और Fermi Dirac function का, and then integrate करना है with certain limits, and when you will solve the integrate you will get this mathematical derivative, mathematical equation, right? अब next आपका आता है, we will calculate the carrier concentration of holes. तो holes कहाँ present होंगे? They will present in the valence band. वैसे तो आप इसका जो article है that is more or less same, जो अभी हमने कल वाले lecture में जो किया था वो same है,
बट आई थिंक इसको भी एक बार हम कर लेते हैं क्विकली, तो दैट विल बी इजी फॉर यू. तो नाउ वी विल डिस्कस कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ carrier concentration of faults. राइट. तो कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स अब हमें कैलकुलेट करना है. एंड यू कैन से इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एन एच. तो अगेन आपका इट विल डिपेंड्स फ्रॉम टू टर्म. फर्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट, डेंसिटी ऑफ अवेलेबल स्टेट्स. And second, it will depend upon the Fermi Dirac function. These are two terms which we are using directly to calculate carrier concentration of electron as well as holes, right? So यहाँ पे जो आपका density of the state होगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट इज इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डीई से, जो हमने कल भी डीई से डिनोट किया था. एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन एच की क्यूब ट्वाइस ऑफ मास ऑफ होल्स की पावर 3/2 एंड एनर्जी की पावर 1/2. राइट. सो दिस इज आवर डेंसिटी ऑफ स्टेट. आप अपने पीछे वाला लेक्चर में देखोगे, आपने नोटबुक में लिखा होगा एट दिस इक्वेशन इज सेम, जस्ट यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस किया विद मास ऑफ होल्स. मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो डेरिवेशन होगा दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस लेक्चर. जस्ट हमने किसको रिप्लेस करना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की बात की थी वहां पे हमने रिप्लेस करना है विद होल्स, होल्स के साथ रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे नाउ वी विल टॉक फॉर द मास ऑफ होल्स. राइट. उसके बाद आपका जो फर्मी डिराक फंक्शन है, फर्मी डिराक फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ स्टैंड्स फॉर फर्मी डिराक एंड ई स्टैंड्स फॉर अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स. राइट. तो यहाँ पे जो आपका फर्मी डिराक फंक्शन था जो हमने कल लिखा था, उसका डेरिवेशन क्या था, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी. EF is the Fermi energy level that I will tell you today कि Fermi energy levels क्या होते हैं. तो यहाँ पे this is a Fermi Dirac function and Fermi Dirac function क्या है, it is a well known function in the quantum mechanics and मैंने कल भी बताया था कि it is totally based on the probability, it is a kind of probability function. This is a probability function कि it describes the probability of any object in a given energy state. कि आपका वो जो object है वो given energy state में exist करेगा या नहीं करेगा, उसकी probability बता रहा है. तो यहाँ पे जो आपका Fermi Dirac function होगा in the case of holes, electrons के case में तो हमारा जो Fermi Dirac function है वो हमने क्या बोला, that is ऊपर गया this one. Okay, all right. तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ. इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने जो फर्मी डिराक फंक्शन लिखा था ये लिखा था, राइट. बट इन द केस ऑफ होल्स, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है. जब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी को हमने 1 माना है, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 ओवरऑल. तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स का ये माना है तो जो होल्स का क्या हो जाएगा, दिस वन. तो यू कैन से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा फर्मी डिराक फंक्शन में होल्स के लिए, फॉर होल्स इट बिकम 1 माइनस दिस वन. उतर चलेंगे, इसका वैल्यू हमें पता है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी. राइट. अब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. एट द एंड व्हाट यू विल गेट, एक्सपोनेंशियल
E minus EF upon KT and divided by 1 plus exponential E minus EF upon KT. So this is a Fermi Dirac function in the case of holes. इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो ये था, बट होल्स के केस में क्या हो जाएगा, वन माइनस दिस वन. तो जब आप वन माइनस दिस वन करोगे तो यू विल गेट दिस टर्म, राइट. तो नाउ यू नीड टू थिंग्स, एक तो हमें ये वाले टर्म्स चाहिए डेंसिटी ऑफ द स्टेट, एंड सेकंड वी रिक्वायर दिस फर्मी डिराक फंक्शन. तो अदर टर्म्स को मैं यहां से रब कर रही हूं. So now you have Fermi Dirac function, that is, इसको मैं डायरेक्ट यहां लिख रही हूं, that is Dirac function, Fermi Dirac function, that is equal to exponential E minus EF upon KT divided by 1 plus exponential E minus EF upon KT. Right, so you can say this is equation 2. If we draw the energy band diagram, this is your conduction, this is your valence band, and this is your conduction band, right? तो आपका जो इसका energy, I am saying कि this is the energy of the conduction band and this is the energy of the valence band. और ये हमारे पास क्या है, ईएफ, फर्मी एनर्जी लेवल. आपका फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ पे लाई करता है, दैट इज इन बिटवीन दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि अगर बिकॉज आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर होल्स आर अवेलेबल हियर, हम कंसंट्रेशन होल्स भी निकालें दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो हमने कैरियर कंसंट्रेशन निकाला दैट आर present in the conduction band. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो you can say कि आपकी जो energy is less than energy of the valence band is less than energy of the Fermi level. ये energy कम है और ये वाला energy क्या है, ज्यादा है. तो you can say कि आपकी ये जो denominator वाली term है that is approximate equal to 1. For energy is less than because this energy stands for holes ki nikale, holes kahan pe present hai, they are present in the valence band, they are present in the valence band. Yahan pe likh rahi hu ye kahan pe present hai, we are talking for the carrier concentration of the holes which are present in the valence band, right. तो यहाँ पे जो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्मॉल देन दिस फर्मी एनर्जी. यहाँ से आप देख भी सकते हैं. तो अगर इसका मतलब क्या होगा, ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव हो गई. तो e की पावर नेगेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस x, तो 1 अपॉन e की पावर x, और ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, दैट बिकम्स 0. तो ये वाली टर्म आपकी क्या रहेगी, 0. तो ये वाली टर्म अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दैट बिकम ओवरऑल 1. तो यहाँ पे ओवरऑल 1 आएगा, तो जो डिराक फंक्शन है, डिराक फंक्शन बिकम इक्वल टू e की पावर एक्सपोनेंशियल e माइनस ई एफ अपॉन के टी. Are you getting my point? Should I repeat this? कि यहाँ पे जो this is numerator, this is denominator. तो denominator का जो term है वो unity मैंने बोला है. तो unity कब आएगा, जब ये वाली जो exponential term क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और ये term 0 कब होगी, जब हमारे पास e की power minus infinity होगा. e की power minus infinity क्या होता है, that is 1 upon e की power infinity, और 1 upon e की power infinity 1 upon infinity क्या होता है, that is 0. राइट. तो ये वाली टर्म 0 कब होगी, जब हमारे पास इस एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू ई एफ, तभी तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी,
माइनस इनफिनिटी हो गई और माइनस इनफिनिटी की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म बिकम जीरो, तो जो डिनोमिनेटर की टर्म है दैट बिकम इक्वल टू यूनिटी. गेटिंग माई पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. राइट, तो हमारा जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज वो हमारा क्या आ गया, यूनिटी आ गया. तो व्हाट यू कैन से कि हमारा जो डिराक फंक्शन है इन द केस ऑफ होल्स वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कहाँ आया, जो आपका डिराक फंक्शन है डिराक फंक्शन में चेंज कहाँ पे आया कि सबसे पहले तो हमने डिराक फंक्शन ये लिया था वन माइनस के दिस वन, फिर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने पाया कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया. तो व्हाट यू कैन से कि हमारा जो डिराक फंक्शन है दैट बिकम चेंज टू दिस वन. तो हमारा डिराक फंक्शन अब राइट नाउ क्या हो गया, दिस इज योर डिराक फंक्शन. सो दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो फाइनली यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड. राइट, तो अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे. तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने बताया था कि वी विल टेक द स्मॉल वैल्यू की हम बात करेंगे डी एंड एच, एंड देन वी विल इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड और इंटीग्रेट करेंगे विद सर्टेन लिमिट्स. लिमिट्स इंटीग्रेट करने के बाद हमें टोटल कैरियर कंसेंट्रेशन मिल जाएगी. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस इज अ डेंसिटी ऑफ द स्टेट 4 पाई अपॉन एच क्यू टू मास ऑफ होल की पावर 3/2, एंड हियर इज दिस इज अ एनर्जी. इसको हम रिप्लेस करेंगे वैलेंस बैंड की दिस एनर्जी इज फॉर टोटल एनर्जी. तो इसको वैलेंस बैंड की टर्म में बात करें तो दैट इज रिप्लेस बाय दिस वन. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द होल्स इन वैलेंस बैंड. तो इस एनर्जी को हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लाइक दिस 1/2. और यहाँ पे आपका डिराक फंक्शन हमने मॉडिफाई किया है, दैट इज एक्सपोनेंशियल e माइनस ई एफ अपॉन के टी. अब यहाँ भी मैं इसको इस एनर्जी को चेंज करना चाह रही हूँ क्योंकि हम किसकी टर्म में बात करें, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ईवी. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ईवी को ऐड कर दूंगी और ईवी को सब्सट्रैक्ट कर दूंगी, तो देयर विल बी नो चेंज. क्योंकि यहाँ पे जहां पे भी एनर्जी है हमने उसको किसमें चेंज कर दिया, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड. तो ये आपके पास दो पार्ट्स में आ गया, दैट इज 4 पाई एच क्यूब 2 एम एच का पावर 3/2, एंड हेयर इज ई वी माइनस ई की पावर 1/2. एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई वी अपॉन के टी. इस टर्म को मैंने उठाया और इस टर्म को उठाया, एंड रिमेनिंग टर्म हमारा क्या रहेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी. राइट, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, जब आप खुद से करोगे तो यू आर एबल टू सोल्व इट वेरी इजीली, जस्ट अ मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स. तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन द बोथ साइड. बोरिंग तो नहीं लग रहा है, लेजर से बोरिंग लग रहा है सेमीकंडक्टर? नो मैम. ओके, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा ना सेमीकंडक्टर का, लेकिन वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, इस तरह के मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने नहीं पढ़े होंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है. तो नाउ व्हाट यू विल गेट, दिस इज द स्मॉल चेंज. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन द बोथ साइड विद लिमिट्स. इसका जो लिमिट होगा दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ईवी. देखिए ये लिमिट्स हम कैसे, यू कैन अंडरस्टैंड
दिस इज द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड, दिस इज द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड. ये यहाँ पे आपके पास होल्स और यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ और हमारा वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये आपका ईसी है. तो हम व्हेन यू विल गो बैक टू योर प्रीवियस लेक्चर, तो वहां पे हमने लिमिट क्या ली थी, ईसी टू इन्फिनिटी, ये हमने लिमिट्स ली थी. दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस वाज द अपर लिमिट. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? और यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, बिकॉज होल्स आर प्रेजेंट हियर वैलेंस बैंड में, तो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ईवी. तो यहाँ पे भी आपका लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ईवी. दैट इज द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड, राइट. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट टोटल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. तो इसको मैं डिनोट कर दूंगी एंड एच से, बिकॉज ये स्मॉल चेंज इसे कैंसिल हो जाएगा, राइट. अब हमें राइट हैंड साइड में देखना, तो राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म, दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड अगेन दिस टर्म इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इसको भी हम बाहर लिख लेंगे. और आपका और कौन सा टर्म कॉन्स्टेंट, दिस टर्म इज नॉट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ई का टर्म है तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट होगा, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट. और ये वाला टर्म भी आपका कॉन्स्टेंट है, इन टर्म्स को मैं बाहर लिखूंगी. तो और यहाँ पे जो ई की टर्म है, ये दोनों टर्म्स हमारी इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी, इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों टर्म्स को. तो जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको मैं बाहर लिख रही हूँ आउटसाइड द इंटीग्रेशन, 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 एम एच की पावर 3/2, राइट. एंड नेक्स्ट टर्म इज एक्सपोनेंशियल ईवी माइनस ई एफ अपॉन के टी, राइट. एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन वी हैव माइनस इंफिनिटी टू EV. Here is EV, and inside you have EV minus E, the power 1/2, exponential E minus EV upon KT, and here we have DE, right? क्योंकि integration है तो D तो आएगा ही, वो मैं लिखना भूल गई, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, DE, right? अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे. तो अगेन यहां पे इस वाले टर्म को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ईवी माइनस ई, सॉरी इस टर्म को एक्स मानेंगे, अपॉन के टी, दैट इज इक्वल टू एक्स. तो व्हाट यू विल गेट कि आपका जो ईवी माइनस ई That become equal to x kt, right? And what about units? अगर मैं एक बार यूनिट क्या रखूंगी, ev रखूंगी, तो एक बार यूनिट जीरो हो जाएगा और एक बार यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे जब हम इस एनर्जी को ev के इक्वल रखेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो. और यहां पे हमें d भी लिखना है, DE की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस KT इनटू DX. इसको डिफरेंट, क्योंकि हमें DE का वैल्यू भी रखना है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे माइनस DE, दैट इज इक्वल टू KT इधर आएगा और DX, तो DE इक्वल टू माइनस KT इनटू DX. अब यहाँ पे जो लिमिट है, एक बार तो हम E को E is equal to EV रखेंगे और एक बार हम E is equal to E minus infinity रखेंगे. तो जब E is equal to EV रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो. और जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी अपॉन समथिंग क्या होगा, इन्फिनिटी, राइट. तो नाउ यू कैन से कि आपकी जो लिमिट है, दैट इज चेंज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. एंड ये वाली टर्म्स हम एक्स की टर्म में लिख दे रहे हैं, तो व्हाट यू कैन से कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा,
ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बार बार, दिस इज योर कॉन्स्टेंट टर्म एंड इन साइड हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज प्लस इंफिनिटी टू जीरो एंड हेयर इज एक्स के टी का पावर 1/2, राइट, एंड देन दिस टर्म इज e की पावर x, e की पावर व्हाट यू कैन से कि इसको आप e की पावर माइनस x में लिख लीजिए, बिकॉज हमारे पास इस टर्म को हम माइनस x लिख देते हैं, माइनस x हम अज्यूम कर रहे हैं, तो माइनस x जब हम इसको अज्यूम करेंगे तो दिस टर्म बिकम इक्वल टू प्लस x. ये मैं अभी आपको बताऊंगी हमने माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे मानेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और हमें इंटीग्रेशन पता है, इस टर्म का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास के इंटीग्रेशन में आता है कि इसका जो डायरेक्ट, ये आपके पास एक इंटीग्रल फंक्शन है और इस इंटीग्रल फंक्शन का जो डायरेक्ट वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 4. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि इसलिए मैंने यहाँ पे x को किसमें रिप्लेस कर दिया, माइनस x में, दैट बिकम इजी फॉर यू. अब इसको हम फर्दर सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस टर्म को माइनस एक्स ले रहे हैं, तो जब माइनस एक्स लेंगे तो ये वाली टर्म प्लस के टी आएगी एंड यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा. मैंने स्लाइटली चेंज किया है, सिंपल है, तो यहाँ पे आपका एक टर्म माइनस रहेगा, राइट. और माइनस कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम इसको जीरो को यहाँ लिखे, इंफिनिटी को ऊपर लिखे, तो माइनस फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ये भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, अगर हम लिमिट्स को लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ इंटर एक्सचेंज करेंगे तो देयर बिकम अ नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन था, उस नेगेटिव साइन को किसे कंपनसेट किया कि हमने लिमिट्स को एक्सचेंज कर दिया, लोअर लिमिट हमें जीरो लिख दिया और अपर लिमिट हमारा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, राइट. तो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज dx. तो अभी मैं ये ऊपर वाली टर्म्स को इरेज कर रही हूं. तो nh दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका टर्म कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे भी ये वाली टर्म भी आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगी, kt का पावर 1/2 मैंने बाहर लिख दिया है एंड इनसाइड यू हैव 0 टू इंफिनिटी एंड हियर इज x की पावर 1/2 e की पावर माइनस x dx, राइट. एंड देन दिस टर्म, यू नो इसका वैल्यू हमें पता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 4. तो मैं कॉन्स्टेंट जो टर्म हमने लिखा था उसको मैं फिर से राइट डाउन कर रही हूँ. यू हैव दैट इज इक्वल टू पाई 4 पाई अपॉन एच क्यूब मास ऑफ होल की पावर 3/2 एंड हियर इज e की पावर एक्सपोनेंशियल ev माइनस ef अपॉन kt, और एक टर्म हमने ये क्या लिख दिया, kt का पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 4. ये वाली टर्म आ गई, कुछ टर्म मिसिंग तो नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ टर्म मिसिंग है, एक यहाँ पे kt भी आता है ना, वो kt में kt क्या, राइट. आई थिंक हम कंप्लीट है. 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 मास ऑफ होल के टी का पावर 3/2
केटी नहीं आएगा मैम। मैम डीएक्स के साथ केटी भी आएगा। डीएक्स के साथ था आपका, यहाँ पे ओवरऑल केटी, यहाँ पे तो ये कुछ नहीं आएगा। एक डीएक्स के साथ भी केटी था तो यहाँ पे केटी का पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि डीएक्स के साथ भी आपकी कुछ केटी की टर्म थी। राइट, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका पावर भी 3/2 है और इसका पावर भी 3/2 है, तो यू कैन मर्ज दिस टर्म, और इसको भी हम 3/2 की टर्म में लिख सकते हैं। एच स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4π। इनसाइड में क्या लिख सकती हूँ, 2mhkt/h2। इस कंप्लीट का पावर क्या आ गया, 3/2। और एक आपका This term is here and आपके आगे क्या कौन सा term आ गया, that is exponential। इसको मैं minus लिख के, but you can write EF minus EV upon KT। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। Right, तो हमारे पास again it is a product of two terms। This is term one and this is term two। Second, जो हमने पहले किया था ऐसा ही आपका, दिस इज दिस टर्म इंडिकेट्स द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल, दिस इज द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इनसाइड द वैलेंस बैंड, राइट, एंड दिस टर्म इंडिकेट्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर होल्स। जैसे वहां पे हमारे पास चेंज क्या था, वहां पे एम ई था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन में क्या आ गया, मास ऑफ होल्स, अदर पैरामीटर्स आर सेम। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पैरामीटर सेम है, जस्ट यहाँ पे एनर्जी किसकी आ गई है, वैलेंस बैंड की आ गई है। वहां पे हमारी एनर्जी किसकी आई थी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी आई थी, राइट। जो हमने पहला जो एक्सप्रेशन किया था, दैट वाज द कैरियर कंसंट्रेशन, अगर अब हम उसको लिखना चाहें तो नाउ यू हैव टू थिंग्स। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल, दैट इज इक्वल टू 4π 2mhkt/h² का पावर 3/2, एंड हेयर इज एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। तो ये हमने यहां से निकाला, दिस इज अ कैरियर कंसेंट्रेशन फॉर होल्स। एंड इफ आई टॉक फॉर प्रीवियस मैथमेटिकल डेरिवेशन, तो वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के केस में 4π 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kt/h² का पावर 3/2, एंड हियर इज एक्सपोनेंशियल माइनस मैथमेटिकल इक्वेशन साइड, दिस इज अ कैरियर कंसंट्रेशन फॉर होल्स व्हिच वी डिस्कस टुडे, एंड दिस इज अ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच वी डिस्कस यस्टरडे, राइट। तो ये दोनों इक्वेशंस में यू कैन सी कि चेंज कहाँ आया है, यहाँ पे चेंज आया है। एक तो हमारा चेंज कहाँ पे आया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है पहले वाले केस में, मास ऑफ होल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा चेंज कहाँ पे आया है, आप बता सकते हैं कहाँ चेंज आया है, दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के, वेर इज सेकंड चेंज, वी हैव टू चेंजेस इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस, यस बताइए वेर इज अनदर चेंज, ईएफ की जगह ईसी आ गया, यस ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ईएफ आ गया यार मैम, ये हमारा दिस इज द फर्मी एनर्जी एंड ये हमारा एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसका एनर्जी है, फिर इसका एनर्जी है, तो एक बार तो हमारा क्या आ जाएगा, ई एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द बैलेंस बैंड, ई एफ माइनस ई वी,
और जब हम इन दोनों के बीच में करेंगे तो एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड माइनस फर्मी लेवल एनर्जी, बिकॉज आपका जो फर्मी लेवल होगा दैट लाइज इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. तो जो फर्मी लेवल की एनर्जी कंडक्शन वैलेंस बैंड की एनर्जी से तो ज्यादा होगी, लेकिन कंडक्शन बैंड की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी. तो इसलिए एक बार तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्मी लेवल को, बिकॉज फर्मी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है, इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, राइट. तो दिस इज योर इक्वेशन वन एंड दिस इज योर इक्वेशन टू, दैट इज कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स की कैरियर कंसेंट्रेशन हमने किसमें निकाली है, वैलेंस बैंड में. क्योंकि जो जब इस आर्टिकल को हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वी आर टॉकिंग फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने आपके होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में. तो दिस इज द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, दिस इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इनसाइड द वैलेंस बैंड, और वो इक्वल होती है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिस कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल टू कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने ही आपके पास होल्स क्रिएट होंगे, उनकी वैकेंसी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड होल्स. तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मास ऑफ होल्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. इस टर्म को मैं क्या बोल रही हूँ, इस टर्म को हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एंड डेंसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ होल्स, एंड इस टर्म को मैंने क्या बोला था, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन से डिनोट किया था ना, कैपिटल एन से. तो यहाँ पे आप जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और व्हाट यू कैन से, इसको हम सिंपली लिख लेते हैं कि इस टर्म को मैं सीधा लिख देती हूँ, दैट इज दिस इज योर एन एच, और यू कैन से एन होल्स, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख देते हैं, एन ए, राइट. ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ द होल्स एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट कि एन एच e की पावर माइनस एन एच ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एन ई एन ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी अपॉन के टी, राइट. ये वाली टर्म आ जाएंगी लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर हम इक्वेट करेंगे. नाउ व्हाट वी कैन से, इन दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम एक साइड लिख लेते हैं और अदर टर्म्स को हम दूसरी साइड लिख लेते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, एक्सपोनेंशियल वन अपॉन के टी तो दोनों के अंदर रहेगा और इन साइड क्या आ जाएगा, माइनस ई एफ प्लस ई वी, और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा तो प्लस ई सी माइनस ई एफ, और यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से कि इस हमें रेशियो लाना है, दैट इज एन वी अपॉन एन एच अपॉन एन ई, तो अगर हमें इसको लेके आए तो हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे माइनस ईसी आएगा, दिस इज माइनस ईसी,
एंड हियर आपका क्या आ जाएगा, माइनस ईवी और प्लस ईएफ, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। हमने एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एक साइड लिखा और अदर टर्म्स को दूसरी साइड लिखा, तो व्हाट यू विल गेट हियर कि एक्सपोनेंशियल ईएफ ईएफ ट्वाइस हो गया, दैट इज टू ट्वाइस ऑफ फर्मी एनर्जी माइनस ईसी माइनस ईवी अपॉन केटी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का टर्म आया। और इधर आपके पास क्या आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ होल्स एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इस एक्सपोनेंशियल को मैं रिमूव कर सकती हूँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा एलन, राइट? एंड व्हाट यू कैन से कि इसको केटी को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, तो टू ई एफ माइनस ई सी माइनस ई वी दैट इज इक्वल टू के टी एलन ओ NH upon NE. Further, you can say 2EF that is equal to EC plus EB plus KT ln upon NH upon this. और फर्मी लेवल दैट इज इक्वल टू ईसी प्लस ईवी बाय टू प्लस केटी बाय टू एलएन ऑफ एनएच अपॉन एनई, तो दिस इज अ फर्मी लेवल एनर्जी, दिस इज योर फर्मी लेवल एनर्जी, राइट? तो इसको हम फर्दर कल सॉल्व करेंगे, दिस यू कैन सी इक्वेशन थ्री। तो फर्मी लेवल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी लेवल एनर्जी, तो ये वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अब तक हमने क्या निकाला, वी कैलकुलेट द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ होल इनसाइड द वैलेंस बैंड, दोनों का हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्कस किया। और जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की, फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो हमने एक्सपोनेंशियल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और अदर टर्म्स को वी पुट ऑन द राइट हैंड साइड, तो उनको मैथमेटिकल सोल्व किया, तो वी गेट द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल, राइट? तो इन द टुडे नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस फर्मी लेवल एनर्जी इन डिटेल and we will also discuss the physical significance of Fermi level energy, right? So I think for today